देखिए भाइयों, मैं बार बार मना कर रहा हूँ कि अगर आप स्विगी में काम कर रहे हैं और अगर कंपनी सेल्फी मांगती है तो बिल्कुल भी अपने फोटो से आप सेल्फी मत दीजिए और बिल्कुल भी दिमाग मत लगाइए। पहले आप ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुन लो। सर, उसमें हुआ ये थी कि मेरा फ़ोन थे ना डैमेज हो गया था ऑर्डर देने के वक्त ही, और मैंने डिस्प्ले कॉम्बो तो चेंज कराया लेकिन कैमरा इशू हो रहा था कि मेरा फ़ोन चालू नहीं हो रहा था, फ़ोन पे भी ऐसा करके पड़ा है। तो मैंने सेल्फी नहीं ले रहा था, तो मैंने क्या किया, मेरा पासपोर्ट साइज का फ़ोटो से क्लिक करके वेरीफाई कर रहा था। दो बार मैंने वेरीफाई किया मेरे पासपोर्ट साइज फ़ोटो से, तो उसमें मेरा अकाउंट डीएक्टिव हो गया। उन लोगों को ऐसा लगा कि मेरे आईडी पे कोई दूसरा कोई काम कर रहा है। सर, अगर आपसे हो सके तो थोड़ा कर दो, क्योंकि स्विगी में मेरी अच्छी अर्निंग हो रही थी, इसलिए जोमेटो में मेरा ठीक से काम हो नहीं रहा। सर, मैं ना ऑफिस में भी गया था, तो वहाँ से जो मेरा फ्लैट मैनेजर है उसने मुझे बोला कि अब ड्राइविंग चालू नहीं होगी, आपको स्विगी से डाटा कर दिया गया है, ऐसा बोल के फिर मैं वहाँ से चला आया। फिर मैंने दूसरा जो फ्लैट मैनेजर है उससे भी मैंने बात की कि सर ये आईडी चालू हो सके तो कुछ करो यार, फुल टाइम करने वाला बंदा हूँ मेरे पास और कोई काम नहीं है, इस पर ही करता हूँ मैं काम, तो उसने भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन लोग ने बोला था कि आपकी आईडी अब चालू नहीं हो सकती है, ऐसा करके वहाँ से भी मना कर दिया। देखिए भाई, आपने रिकॉर्डिंग सुनी ली होगी और पूरा सीन क्या था मैं भी आपको रिपीट करके बता देता हूँ। भाई का देखिए फ़ोन किसी वजह से डैमेज हो गया और भाई ने फोल्डर चेंज कराया, और फोल्डर चेंज होने के बाद उसका जो फ्रंट कैमरा था काम नहीं कर रहा था, और भाई जब सेल्फी दे रहा था उसकी सेल्फी फ्रंट कैमरे से नहीं ली जा रही। तो भाई ने क्या दिमाग लगाया, देखो कितना जिसे बोलते हैं ना लोमड़ी वाला दिमाग लगाया, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो से यानी कि अपने फ़ोटो से सेल्फी दे दी, और सेल्फी देने के बाद वो वेरिफिकेशन हो गया जिस तरीके से सेल्फी देने के बाद वेरिफिकेशन होता, और भाई समझा कि काम हो गया, और बाद में पता चला कंपनी ने उठा के आईडी बंद कर दी। अब ये देखिए भाई, भाई ने दिमाग लगाया तो कहाँ लगाया, मैं भाई का दिमाग लगाना ही भाई पे भारी पड़ गया। मतलब दिमाग लगाना था तो इसी जगह लगाना था जहाँ नुकसान ना हो, लेकिन भाई ने फिर भी ऐसी जगह दिमाग लगाया कि उस दिमाग लगाने का नुकसान भाई को अपनी आईडी से उठा चुकाना पड़ा। भाई ने खुद बताया कि अपनी आईडी पर बहुत अच्छी अर्निंग हो रही थी, बहुत अच्छा काम हो रहा था, उस जरा सी मिस्टेक की वजह से भाई की आईडी कंपनी ने परमानेंट बंद कर दी। आपको तो मालूम ही होगा कि स्विगी में इस टाइम अगर आपकी एक बार आईडी बंद हो जाती है तो लाइफ टाइम उस आईडी को आप दोबारा ओपन नहीं कर सकते, और आईडी को तो ओपन कर ही नहीं सकते, साथ में उस आईडी से जो डॉक्यूमेंट लगे हुए होंगे यानी कि उस डॉक्यूमेंट से जो आईडी बनी हुई होगी उस डॉक्यूमेंट से दोबारा भी आईडी आपकी नहीं बन पाएगी, यानी कि कंपनी सीधा डॉक्यूमेंट को भी ब्लैकलिस्टेड कर रही है। तो भाई अगर स्विगी में आप काम कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बिल्कुल भी दिमाग मत लगाइए, जो आपके सीनियर हैं मैं हूँ या जो पुराने राइडर हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, जब जाके आप कोई डिसीजन लीजिए। अब भाई का मोबाइल डैमेज हो गया था, सेल्फी नहीं ली पा रही थी, फ्रंट कैमरा काम नहीं कर रहा था, तो इतना काम करने से पहले कम से कम भाई किसी से मशवरा लेता, भाई किसी से सलाह ले सके था क्या मैं अगर ऐसा करूं तो क्या ये सही होगा या गलत होगा, यानी कि कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो ज़रूरी को ही कि अपनी आईडी पे किया जाए। भाई उस एक्सपेरिमेंट को वहाँ करो जहाँ कोई नुकसान ना हो, ऐसी आईडी पे एक्सपेरिमेंट करो जिस आईडी को आप बंद करने जा रहे हो, या जिस आईडी का आपका प्लान ये है कि इस आईडी पर का तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है सिवाय नुकसान के, तो उस आईडी पे आप एक्सपेरिमेंट करो। जिस आईडी पे आप पैसा कमा रहे हो, अच्छा खासा काम कर रहे हो, उसी आईडी पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहा, और उसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आपने देखा, कंपनी ने उठा के सीधा आईडी बंद कर दी। तो लाइफ में भाई ध्यान रखो, कुछ भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो हमेशा उस चीज़ पर टेस्ट मत करो जिस चीज़ पर आपका बाद में रिजल्ट ना आने पर नुकसान हो जाए। अगर ये टेस्टिंग अगर किसी दूसरी आईडी पे की जाती तो हो सकता था भाई की आईडी बच जाती। तो बस वो ये कि थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़ी सी लापरवाही की सज़ा का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है। तो भाई कहने का मतलब मेरा यही है कि स्विगी में वो वाली बात नहीं रही जो पहले बात होती थी, अगर आप छोटी से छोटी मिस्टेक करते हो तो स्विगी आपको 3 वार्निंग भेजेगी, 3 रॉन्ग एक्शन भेजेगी और लास्ट उठा के आपकी आईडी बंद कर देगी। और आप चाहे ऑफिस के चक्कर काटते रहना, टीएल से कॉन्टैक्ट करते रहना, आईडी ओपन नहीं होने वाली। तो बस भाइयों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है, थोड़ा कमाइए, ज़्यादा कमाइए, सही कमाइए और सतर्क रहिए, अपनी आईडी को सेफ रखिए। तो बस भाई, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो भाई, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।